सगेन ही कैंप में फिर से वो आता है और क्यों आता है? He wants something, so कुछ चाहिए. He asks the tree that I want a house. I am going to marry and for my wife and for my children I want a house. I want to build a house. Can you give me a house? ये जो बॉय है वो ट्री को क्या कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे शादी करनी है, सो मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए मुझे एक हाउस बनाना है, मुझे एक हाउस चाहिए, मुझे हाउस दे सकता है? ट्री सेज आई कांट गिव यू हाउस बट यू कैन कट माय ब्रांचेस एंड यू कैन मेक अ हाउस. मैं तुझे हाउस तो नहीं दे सकता बट तू मेरी ब्रांचेस से उसको कट करके अच्छा सा हाउस बना सकता है. ओके टिल देन वी हैव सीन पार्ट 1. यहां तक हमने पार्ट 1 में देखा था. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन. एवरीवन ओपन योर मैनुअल टेक्स्ट बुक. So students, come to your page number 123. From here we are okay. हम यहाँ से बाकी के चलो यहाँ से start कर देंगे. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. Okay. ये जो tree था apple tree, उसकी ब्रांचेस कट करके बॉय ले गया था हाउस बनाने के लिए और बहुत टाइम तक वो वापस नहीं आया था. फिर से वो वापस आया. सो आफ्टर सीइंग हिम फ्रॉम मेनी इयर्स ट्री वाज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक. ये जो ट्री है वो ये बॉय को देख के इतना हैप्पी हो गया था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता था. नाउ द बॉय वाज यंग मैन. अब ये जो बॉय है वो बॉय नहीं रहा, वो यंग मैन हो गया. ओके ट्री सेज कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यू कैन सी हियर द फीलिंग ऑफ अ ट्री टुवर्ड्स अ बॉय. आप यहां देख सकते हैं ट्री की फीलिंग बॉय के लिए. क्या बोला उसने? कम माय बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरे बच्चे आजा, मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं? यंग मैन सेज आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे. कैन यू गिव मी अ बोट? फिर से जब भी बॉय को कुछ चाहिए था तभी ट्री के पास आता है. ओके बट ट्री कभी भी मना नहीं करता. ही इज ऑलवेज हैप्पी टू गिव समथिंग टू दिस लिटल बॉय. सो इस टाइम द बॉय को क्या जरूरत थी? वो क्या बोला उसने? आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. मैं अब यू नो दैट ये बॉय लिटल बॉय में सब यंग मैन हो गया, बिजनेस मैन हो गया. सो उसने क्या बोला? आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ. ओके सो आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे. मुझे एक बोट चाहिए, नाव चाहिए. क्यों? क्योंकि वो दूर जा रहा था बिजनेस के सिलसिले में. कैन यू गिव मी अ बोट? मुझे बोट दे सकता है, नाव दे सकता है? ट्री सेज ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक. कट डाउन माय ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. ओके सो ये जो ट्री था उसने क्या रिप्लाई दिया? ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ
नाव बना ले, देन यू कैन शेयर अवे। शेयर करना मीन्स बोट में बैठ के हम जाते हैं ना पानी में तैरते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। सो थ्री ने बोला कि बोट बना के तू फिर शेयर करना, तू अपने बिजनेस के लिए जाना। नरेंद्र सेज द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड शेयर अवे इन अ बोट। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। ओके, तो ये जो यंग मैन था उसने क्या किया, कट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्री का जो ट्रंक था वो कट कर लिया और उसने नाव बना ली, मेड अ बोट। ओके, एंड शेड अवे इन अ बोट, और बोट में शेयर करके चला गया, अपने बिजनेस के लिए जाना था। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब जो ट्री था वो ओनली स्टम्प, स्टम्प मीन्स खंबा जैसा आता है, इसके पास क्या बचा था, सिर्फ वही बचा था। मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर में, देखो स्टम्प किसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, देखो ये बॉय यंग मैन है, ये जो यंग मैन ये कट करता है। ओके, ये ट्रंक को कट करता है, यू कैन सी दिस पिक्चर। स्टम्प सी स्टूडेंट्स, इसको हम स्टम्प बोलते हैं। ओके, ये जो है इसको स्टम्प बोलते हैं। ओके, सो क्या हुआ, ये जो बॉय था उसने ट्रक को कट कर दिया और बोट बना के वो निकल पड़ा शेयर करने अपने बिजनेस के लिए, और अब ट्री के पास हमने ये स्टम्प ही बचा था। नाउ कम टू योर नेक्स्ट फेज, फेज नंबर 124। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। ओके, अब क्या हुआ, फिर से लॉन्ग टाइम के बाद ये यंग मैन ट्री के पास वापस आता है, और नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब ये यंग मैन में से क्या बन गया था, एन ओल्ड मैन। ओके, बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड, फिर भी ट्री ने ये ओल्ड मैन को पहचान लिया। बॉय में से पहले तो लिटल बॉय था, बॉय में से यंग मैन हुआ, और अब यंग मैन में से ओल्ड मैन हो गया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना, तो फिर भी ये ट्री ने एन ओल्ड मैन को पहचान लिया। ओके, ट्री सेज आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माय एप्पल्स आर गॉन। ट्री ने क्या बोला, आई एम सॉरी फ्रेंड, एवरी टाइम तो ट्री बोलता था कि कम एंड प्ले इन माय शैडो, ईट माय एप्पल्स, स्विंग विथ माय ब्रांचेस, ओके एंड एंजॉय, बट उसके पास अब तो कुछ भी नहीं था ट्री के पास। फिर भी ट्री ने क्या बोला, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माय एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स तो चले गए। ओल्ड मैन सेज माय टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब ये जो बॉय में से ओल्ड मैन हो गया था, तो ओल्ड मैन ने क्या रिप्लाई दिया, माय टूथ आर टू वीक, मेरे जो टूथ है वो इतने कमजोर है टू वीक कि मैं एप्पल नहीं खा सकता। ट्री सेज माय ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, मेरी ब्रांचेस भी नहीं है वो भी चली गई, सो तू उसके ऊपर झूला नहीं झूल सकता। ओल्ड मैन सेज आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। ओल्ड मैन ने क्या बोला, अब मैं इतना एजेड हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ कि मैं तेरी ब्रांचेस के ऊपर झूला नहीं खा सकता।
Students see this little boy become an old man. Okay, आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो लिटल बॉय है और उसमें से यंग मैन हुआ और फिर यंग मैन में से ओल्ड मैन हो गया. ओके, एंड कहाँ बैठा हुआ है? ही इज सिटिंग ऑन द स्टंप ऑफ द ट्री. ये ट्री के इसको स्टंप बोलते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है. ओके, एंड यू कैन सी दिस ट्री इज हैप्पी अगेन. ओके, ये ट्री फिर भी हैप्पी है. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस लेसन व्हाट यू लर्न, विच मोरल यू आर गेटिंग, आपको ये स्टोरी में क्या सीख मिलती है? स्टूडेंट्स ऑलवेज बी हैप्पी आफ्टर गिविंग समथिंग टू समवन, व्हाट एवर यू हैव. अगर हमारे पास कुछ है तो हम किसी को हेल्प करते हैं तो उससे हमें हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए. और अगर हमारे पास है और हम किसी को देते हैं तो हमारे पास